नमस्कार। क्लासरूम हमेशा ही बच्चों के सवालों से घिरा होता है। बच्चे कब, कैसे और कौन सा सवाल आपसे पूछ जाए, इसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। क्लासरूम में हाल ही में एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, डिजिटल इंडिया के बारे में या डिजिटल बैंकिंग के बारे में, नेट बैंकिंग के बारे में। तभी अचानक से एक बच्चे ने मुझे एक सवाल किया, मैडम हर नोट के ऊपर केवल महात्मा गांधी जी की ही फ़ोटो क्यों होती है। वो सवाल तो उसके लिए बहुत सीधा साधा था, लेकिन मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसने आगे भी कुछ सवाल किए। तो मैंने उसको बताया, बेटा महात्मा गांधी जी ने हमारे लिए, आज़ादी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, प्ले किया, और उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और उन इसीलिए हर फोटो के ऊपर उनकी जो नोटों के ऊपर उनकी फ़ोटो छपती है। तो ये जवाब सुनकर शायद वो संतुष्ट नहीं हुआ और उसने तुरंत एक सवाल और किया, और उसी सवाल ने मेरे मन के अंदर जो विचार चल रहे थे उसी विचारों के ऊपर आधारित मेरी आज की कविता है। तो कविता इस तरह से है, उस दिन उस लड़के ने पूछा नोटों पर बापू की फ़ोटो क्यों छपती है, नोटों पर बापू की फ़ोटो क्यों छपती है, छोटे बड़े नोटों पर केवल बापू ही दिखते हैं, छोटे बड़े नोटों पर केवल बापू ही दिखते हैं। क्या सिर्फ बापू ने ही हमें आज़ादी दिलाई, क्या सिर्फ बापू ने ही हमें आज़ादी दिलाई, बाकी किसी ने भी नहीं लड़ी लड़ाई, बाकी किसी ने भी नहीं लड़ी लड़ाई। बच्चे का प्रश्न बड़ा सरल था, हमारे लिए तो जवाब देना बहुत कठिन हो रहा था। हमने कहा, बच्चे बेटा तुम्हारा प्रश्न बड़ा सरल है हमने कहा बेटा तुम्हारा प्रश्न बड़ा सरल है पर उतना ही जवाब देना मेरे लिए जटिल है, पर उतना ही मेरे लिए जटिल है। बस इतना समझ लो, बस इतना समझ लो, भले ही बापू की होती है नोट, भले ही बापू की होती है नोट, पर सबके दिल में यहाँ होती है खोट, पर सबके दिल में यहाँ होती है खोट। तभी मुझे बापू जी के वो तीन बंदर याद आए, जैसे बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। तो हमने कहा, बड़े ही प्रसिद्ध थे बापू के तीन बंदर, बड़े ही प्रसिद्ध थे बापू के तीन बंदर, और हमने उनको रख दिया शोकेस के अंदर, और हमने उनको रख दिया शोकेस के अंदर। उसमें से ही एक बंदर था, उसमें से ही एक बंदर था, बुरा मत देखो कहता था, बुरा मत देखो कहता था, पर नोटों वाले बापू को क्या क्या देखना पड़ता है, पर नोटों वाले बापू को क्या क्या देखना पड़ता है, बार बालाओं पर उड़ते नोटों के बीच विस्की से दम घुटता है, बार बालाओं के ऊपर उड़ते नोटों से ही विस्की से ही दम घुटता है। घर का फोन डेढ़ पड़ जाए तो बापू काम आते हैं हफ्तों तक मृत फोन को वो चुटकी में जिंदा करते हैं। बापू को देखकर ही डॉक्टर इलाज करते हैं। यहाँ से वहाँ फाइल भी फिर घूमने लगती है। क्या भ्रष्टाचार और क्या घोटाले, सब में बापू गवाह होते हैं। सत्य दफन होता है पर बापू कुछ नहीं बोल पाते हैं। बापू वाली नोट लेकर वो पत्थरबाजी करते हैं,
वो पत्थरबाजी करते हैं राष्ट्रपिता की अहिंसा, राष्ट्रपिता की अहिंसा अपने घुटने टेक देती है, अपने घुटने टेक देती है। काला मन और काला धन, काला मन और काला धन सबने बापू को रखा घर में, जेब में तो रखा पर नहीं रख पाए अपने मन में, पर नहीं रख पाए अपने मन में। नोट हो या दीवार, नोट हो या दीवार केवल बापू की फोटो लटकाई है। लालच और स्वार्थ में डूबे हम लोगों ने बापू की सिख भुलाई है, बापू की सिख भुलाई है। धन्यवाद। अगर मेरी ये कविता आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।